और यहाँ पे अगर पुणे में अगर कोई आ रहा है तो जरूर मास्क लगा के आइएगा ऐसे, और नहीं तो पुलिस पकड़ेगी तो 5,000 की फाइन लगेगी। हेलो गाइस, मैं यशेश वाई आपका भाई। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अभी मैं पुणे में हूँ और मैं आया था 26 अगस्त को। उस समय काफ़ी कम यहाँ पे मतलब लोग आए हुए थे शहर में पुणे में। तो अभी हो रहा है 7 सितंबर हो रहा है और इस समय काफ़ी ज़्यादा चालू हो सका है, यानी 40% नहीं कह सकते हैं, 50% चालू हो चुका है पुणे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास्क मतलब ज़रूरी है, बिना मास्क के अगर घूम रहे हो तो 5,000 फाइन लग रहा है, पुलिस कोई भी देख ले रही है। और गाइस आप लोग बताना चाहता हूँ कि अब तो ट्रेन भी चालू होने वाली है 12 तारीख को, मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक पूरा पुणे भर जाएगा। आप देख सकते हो हाईवे पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा ही गाड़ी चल रही हैं। मैं जब आया था तब बहुत ही कम गाड़ियाँ चल रही थी, अब बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपको दिखा सकता हूँ मैं। और इधर बहुत सारी पार्क हुई है गाड़ियाँ, नहीं तो पूरा खाली खाली सन्नाटा दिखता था, देख सकते हो पूरा भरा भरा है एकदम। उधर भी दुकानें भी। और गाइस आप लोगों से कहना चाहता कि अभी मैं पुणे में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, जो कि जॉब मेरी है 5 दिन हफ्ते में 6 दिन, संडे को छुट्टी रहती है। संडे के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कपड़े वपड़े धोने रहते हैं, कपड़े धोने में लग जाता हूँ और वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। वैसे भी लॉकडाउन है, कहीं घूम के ब्लॉग नहीं बना सकता, तो बस छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अभी सारी कंपनियाँ मतलब ओपन हो रही हैं इस महीने के, सितंबर के लास्ट महीने तक सारी कंपनियाँ तो नहीं बोल सकता, यानी 80% सब लोग चालू कर देंगे अपनी कंपनी और दुकान। अभी तो अपना 50% हो गया है चालू पुणे, और फिर 50% बचा है वो हो जाएगा 30 सितंबर तक। तो गाइस यही कहना चाहता आप लोगों को, और यहाँ पे अगर पुणे में अगर कोई आ रहा है तो ज़रूर मास्क लगा के आइएगा ऐसे, मैं अभी आवाज़ नहीं सुना देगी और नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी तो 5,000 की फाइन लगेगी। तो गाइस यही वीडियो था आज का मेरा, तो ये फिर चल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।